जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, तो मेरी इस रेसिपी से जुड़े रहिएगा। और आइए मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है जो हम इसमें यूज करेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। मुगलई पुलाव बनाने के लिए चिकन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। 1 किलो हम चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें मुगलई पुलाव में। चावल अब इसमें यूज करेंगे, बासमती राइस 750 ग्राम है। मैंने इसको पानी में भिगो के रखा हुआ है आधे घंटे के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर पालक। पालक जो है हम आधा पाव लेंगे इसका, और इसके साथ बारीक जो है हरी मिर्च हम इसमें लेंगे 4 से 5 अदद। ये ले लें, इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसके अंदर जो है साबित मिर्च ले लें, हरी मिर्च मोटी वाली जो कि 4 से 5 आप ले लें, 2 प्याज ले लें, ठीक है। इसके अलावा इसमें दही इस्तेमाल होगा, 1 पाव के करीब इसमें दही है। इसमें फिर व्हाइट पेपर जाएगा, गरम मसाला, नमक और अदरक गार्लिक का पेस्ट है, और ये सब चीजें जो है इसमें रिक्वायर्ड होंगी। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यखनी चढ़ाएंगे। यखनी चढ़ाने में क्या क्या चीजें दरकार होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मुगलई पुलाव बनाने के लिए मैंने पतीला सामने रख लिया है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले यखनी चढ़ाएंगे। यखनी चढ़ाने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर लेंगे चिकन। चिकन को जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 किलो चिकन मैं इसमें लेने लगा हूं। ये चिकन मैंने इसमें डाल दी है। अब इसके बाद मैं डालूंगा इसके अंदर जो है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, इसमें जो है तेजपात, एक छोटा पत्ता जो है तेजपात का ले लें। इसके अलावा जो है इसमें 5 से 6 जो है काली मिर्चें हैं, 4 से 5 अदद जो है वो लौंग है, दालचीनी के 2 पीस ले लें छोटे, और 2 इलायची ले लें और 1 बड़ी इलायची ले लें, ठीक है। ये सारी चीजें मैं ऐसी डाल देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें डाल दिया। इसके अलावा जो है आपको मैं बताता चलूँ, इसमें जीरा जो है 1/2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं। साबित धनिया जो है इसमें 1 टेबल स्पून है। सौंफ इसमें 1 टेबल स्पून है। 4 से 5, 5 से 6 जवे जो है वो लहसुन के ले लें। 1 छोटा पीस जो है आप अदरक का ले लें, और नमक हसबे जायका वो मैं इसमें ले लें, आप अपने हिसाब से ले लें। मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ले रहा हूँ। और 1 प्याज ले लें और उसको 2 हिस्सों में कट कर लें। तो ये सारी चीजें एज इट इज में डाल देता हूँ भी, ठीक है। अब इसके अंदर जो पानी जाएगा जो यखनी के लिए, वो पानी तकरीबन 1.5 लीटर, तकरीबन 6 गिलास में इसमें पानी डाल देता हूँ, ठीक है। यखनी की सारी चीजें मैंने इसमें, जो चीजें इसमें दरकार थी वो मैंने सब डाल दी है। अब इसको पतीले को जो है चूल्हे पे चढ़ाते हैं और यखनी तैयार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यखनी चढ़ा दी है पतीले के ऊपर। उसका जो है फ्लेम मैंने जो है तेज कर दिया है। उबाल आने तक जो है मैंने इसको कवर नहीं करना, इसको पहले तेज फ्लेम के ऊपर उबाल देना है। अभी जो है मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ, जो सारी चीजें इसमें मैंने डाली थी। तो अच्छे तरीके से इसको आप मिक्स कर लें, फ्लेम को तेज कर लें। तेज फ्लेम के ऊपर जो है आपने इसको जो है ऑन करना है, और फिर उसके बाद जो है हम इसको कवर करेंगे। 10 से 15 मिनट का जो है हम इसको जो है दम देंगे ताकि यखनी हमारी अच्छी तैयार हो। तो ठीक है, अब ये कि इसमें उबाल आने तक का मैं वेट करूंगा, फिर इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगा। पतीला जो हमने चढ़ाया था, देखें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं करूंगा क्या कि मैं इसको जो है ढक दूंगा 12 से 15 मिनट के लिए, और इसका फ्लेम जो है वो मैं कर दूंगा लो पे। तो बिल्कुल लो फ्लेम कर दें, और इसको 12 से 15 मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया है, ताकि अब चिकन जो है हमने इसके अंदर इतनी गलानी है कि 70 से 80% हमने इसमें चिकन को जो है गलाना है। इस चीज का खास ख्याल रखना है। तो ये 12 से 15 मिनट के लिए मैंने ढक दिया है। 12 से 15 मिनट के बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, 12 से 15 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम स्टीम को जो हमने दी थी इसको हटा लेंगे। यखनी तकरीबन आपकी 80% हमने तैयार कर ली है, यखनी मुकम्मल तैयार हो गई है। अब ये चिकन हमने इसमें 80% की है, तो अब ये कि चिकन को जो है इसमें से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं चिकन के पीस उठा लेता हूँ ताकि इसके अंदर जो मसाला है वो इसमें ना आए। तो इस तरह से ये निकाल लेता हूँ मैं। अच्छा जी, इसी तरह मैं सारी चिकन जो है अपनी निकाल लेता हूँ। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि यखनी को छान लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह यखनी तैयार हो चुकी है, जैसा कि बताया था मैंने आपको। और मैंने 1 कप में जो है मैंने यखनी अलग कर ली है। अब क्या करेंगे, अब जो है हम पालक का जो है और हरी मिर्च के साथ इसका पेस्ट बनाएंगे। तो आधा पाव मैंने इसमें पालक ली है, इसको रफली चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगा पालक, पहले एक हिस्सा कर लेते हैं इसका। और इसमें मैंने छोटे साइज की जो है ये हरी मिर्च ले ली है, और इसकी जो है डंडियां काट दें आप, ये हटा दें। तो ये जो है हम इसमें डालेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे यखनी, ठीक है। यखनी हिसाब से डालनी है, और एक चीज का ख्याल आपने रखना है कि
पतला नहीं करना, इसके जो इसका बैटर तैयार होगा उसको पतला नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा रखना है। तो ये मैं हिसाब से थोड़ा सा ले लेता हूँ, तो इसी हिसाब से मैं इसमें डालता रहूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका पेस्ट बना लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो है बैटर हमारा तैयार हो गया है, पेस्ट हमने इसका बना लिया है। तकरीबन मैंने इसमें जो है आधा कप जो है वो जो है इसमें यखनी मैंने इसमें डाली है इसके पेस्ट बनाने के लिए। मैं दिखा देता हूँ, तकरीबन हमने जो है 1 कप जो है इसका जो है पेस्ट तैयार किया है इस तरह से। ये देखें, इस तरह इतना मोटा मोटा रखना है ताकि पेस्ट जो है आपका गाढ़ा गाढ़ा रहे। देख रहे हैं, इस हिसाब से इसको रखना है। अब जो है हम क्या करते हैं, पतीला चढ़ाते हैं और मुगलाई पुलाव को फाइनल राउंड में लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पतीला मैंने चढ़ा लिया है, चूल्हा मैंने खोल दिया है। चूल्हा जो है आपने इसको दरमियाना रखना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, ठीक है। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगा, ऑयल इसके अंदर लेंगे हम 3/4 या तो 1 कप से थोड़ा कम, 3/4 कप हमने इसमें ऑयल ले लिया है। ऑयल थोड़ा गर्म होने लगा है, अब इसमें हम डालते हैं प्याज। इसको जो है हम थोड़ा सा चलाएंगे ताकि अच्छे तरीके से प्याज खुल जाए। गोल्डन ब्राउन हमने प्याज को जो है करना है, ठीक है। इस चीज का खास ख्याल रखना है, प्याज जले नहीं, चम्मच आप चलाते रहें इसके अंदर। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है, शक्ल आप लोगों के सामने है। अब हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन। लहसुन जो है, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 2 टेबल स्पून डलेगा, वो इसमें मैं डाल देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं चलाऊंगा ताकि मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें डालूंगा चिकन, इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे हम गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे। फिर इसके बाद हम डालेंगे व्हाइट पेपर, ये भी 1 टीस्पून। नमक भी इसमें आप हसबे जायका अपने हिसाब से देख लें, मैं इसमें ले रहा हूँ 1 टीस्पून। अब क्या करेंगे कि अब मसाले को जो है जो हमने डाला है इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम आपने वही रखना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको आपने पकाना है। अभी मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें डालूंगा दही। दही इसके अंदर जो है 1 पाव जाएगा, ये पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पहले इसको फेंट लें, फिर उसके बाद इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाह, इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। आहा, क्या शानदार खुशबू निकली है। अब ये कि इसको जो है आपने दही में इसकी करनी है भुनाई, और भुनाई इस तरह से करनी है कि दही जो है अच्छी तरह से भुन जाए और तेल जो है दही से अलग हो जाए। इसको आप जब तक चम्मच इसमें चलाते रहें, फ्लेम को अपने मीडियम रखें, इंशाल्लाह 2 से 4 मिनट में ये हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना जबरदस्त इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे पेस्ट। खुशबू भी बड़ी शानदार आ रही है। अब ये पालक जो हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था ये पूरा इसमें डाल देंगे हम। अब इसमें भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है इसमें इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। 4 से 5 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है जी। देखें अल्हम्दुलिल्लाह तेल जो है वो मसाले से अलग होना शुरू हो गया है। अब ये देखें माशाल्लाह इसकी शक्ल इतनी शानदार और खुशबू भी बड़ी जबरदस्त आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे यखनी। यखनी हम इसके अंदर लेंगे 5 कप, ठीक है। 5 कप अपने खास तौर पर ख्याल रखना है, 5 कप इसमें यखनी डालेंगे, इसमें हम डालते हैं। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डालने लगा हूँ नमक। नमक मैंने तकरीबन इसमें ले रहा हूँ 3 टीस्पून। इसको मैं मिक्स करूंगा पहले। अब मैं इसमें डालूंगा चावल। अच्छा जी, चावल जो है अल्हम्दुलिल्लाह डाल दिए हैं इसमें, और देखें पानी जो है थोड़ा सी चावलों की सतह से ऊपर है, यही इसी तरह से मेंटेन करना है इस चीज़ को। अब ये कि हम चावलों को जो है थोड़ा सा पकाएंगे, जब उबाल आएगा उबाल आने तक का वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ढक देंगे। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस जो है इसका पानी है ड्राई कर लिया है। अब करेंगे क्या कि अब जो है हम इसको दम लगाएंगे, ठीक है। दम लगाने से पहले मैंने आपको शुरू में बताई थी हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्च को जो है इस तरह से ले लें, इसकी जो है ट्रेल नहीं काटें, ये वाला हिस्सा ले लें, ठीक है। ये इसको हम इस तरह इसके अंदर दबा देंगे, इसका हेड भी ऐसी रहे, एक बार से पकड़े और इस तरह दबा दें इसको, ये इस तरह से,
ठीक है, ये चारों मैंने रख दी है। अब हम इसको लगाएंगे तवे का दम, तकरीबन 12 से 15 मिनट। तो अब इसको हम लगाते हैं तवे का दम, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 15 मिनट, 15 मिनट तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए। मैं अब ये चेक कर लेता हूँ कि ये तैयार हुआ है या नहीं। शक्ल तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार आई है, खुशबू भी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। अब ये कि इसको हम सर्विंग में लेकर आते हैं, बड़ा ही जबरदस्त बना है, और सर्विंग में लाते फिर इंशाल्लाह आपको लास्ट प्रोसेस इसका दिखाते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त इसका टेक्सचर, इसकी शक्ल, इसकी खुशबू बहुत ही जबरदस्त आई है, और बहुत ही जबरदस्त किस्म का मुगलाई पेड़ पुलाव जो है तैयार हुआ है। मैंने टेस्ट भी किया है, बहुत ही आला बना है, और इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे तो बहुत जबरदस्त बनेगा, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बच्चे बड़े बूढ़े सबको खिलाए, सबको इंशाल्लाह ये चीज जो है बहुत अच्छी लगेगी। तो इसी तरह की मजे मजे की वीडियोस में आपको जो है लाता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। इंशाल्लाह आने वाली तमाम वीडियो में मैं आपके साथ जो है और मजीद अच्छी रेसिपीज इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आऊंगा। फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द अपकमिंग रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।